Good morning students, how are you all? Today in this video, I'll teach you the poem The Voice of the Rain. It is composed by Walt Whitman. Alright, the poem is all about the conversation of the poet with the rain. ठीक है, simple है. Poet Walt Whitman has described his conversation with the rain. Let's begin the explanation of the poem. And who art thou, said I, to the soft falling shower, which, strange to tell, gave me an answer as here translated. Means the poet asked the rain who it was, alright. Which, strange to tell, means what is strange to tell? The answer given by the rain is strange to tell because we people cannot understand the language of the rain. ठीक है, hence the poet has translated The voice of the rain here for we people. Understood? See what answer was given by rain. I am the poem of the earth, said the voice of the rain. मैं क्या हूँ? I am the poem of the earth, said the voice of the rain. मैं अर्थ की poem हूँ, said the voice of the rain. How can rain be the poem of the earth? Yes, it can be the poem of the earth. कैसे? देखिए, there are two similarities actually. एक तो ये है कि when we listen a poem, we feel tranquility and peace. ठीक है, means we enjoy. In the same way, when it rains, we enjoy. ठीक है, हमें आनंद मिलता है. One more similarity is there कि जहाँ से, जिस note से poem begin होती है, उसी note पर end होती है. ठीक है, in the same way, rain अपने origin जिस place से लेती है, उसी place पर उसकी क्या होती है? Ending होती है. ठीक है, सी द लिटरेरी डिवाइस इन द लाइन. आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, दिख रही है? आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ. ठीक है, ये क्या है? पर्सोनिफिकेशन है. क्या है? पर्सोनिफिकेशन है. ठीक है, क्योंकि रेन कैन नॉट बी द पोएम, और जहां पर किसी भी जो चीज़ बोल नहीं सकती, उन चीज़ों को अगर ह्यूमन बीइंग की तरह मान लिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? पर्सोनिफिकेशन कहते हैं. ऑलराइट, खैर. एटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी. आपको समझ आ गया होगा रेन की ओरिजिन कहाँ से होती है. ठीक है, मीन द रेन टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम द लैंड और बॉटमलेस सी. कहाँ से होती है? बॉटमलेस सी से होती है. एटर्नल मीन्स, सी द वर्ड एटर्नल. Eternal means never ending. क्या होता है eternal? Never ending. ठीक है, लिख देता हूँ आपके लिए. Means of which there is no end. All right, never ending. Impalpable. Impalpable means that cannot be touched. When the rain is in the form of vapor, we cannot touch it. तो इसीलिए कह रही है कि मैं कैसी होती हूँ. I rise impalpable. I rise so high in the sky that nobody can touch me. ठीक है, और इसकी ओरिजिन कहाँ से होती है? बॉटमलेस सी से होती है. ठीक है, ये देख लीजिए आप कहाँ से हो रही है. बॉटमलेस सी से, या फिर लैंड से कह दो. ठीक, ओके. Upward to heaven, whence vaguely formed altogether, changed and yet the same. Upward to heaven means from the sea in the form of vapor, the rain soars high. क्या करती है? ऊपर उठ जाती. Fly high. From where? Vaguely means unclearly. It forms the cloud. किसको form कर लेती है? Cloud form कर लेती है. Altogether changed, यानी change होगी. पहले क्या था? सबसे पहले सी में पानी था. ठीक है, पानी का क्या बना? Vapor बना. ठीक है, vapor बनने के बाद में जैसे ही vapor ऊपर गया, यानी सबसे पहले, there are three process actually. सबसे पहले vapor, उसके बाद में clouds, फिर उसके बाद में बारिश की बूंदें. तो हम इसको रेन की साइकिल से समझ लेते हैं. तो देखिए, इसको ऐसे समझिए, evaporation. ठीक है, उसके बाद में condensation. ठीक है, उसके बाद में प्रिसिपिटेशन, PRIC. ठीक है, ये प्रोसेस ये चलती है. वेगली फॉर्म्ड यानी क्लाउड फॉर्म कर लेती है. ऑल टुगेदर चेंज, यानी चेंज हो गई थी. एंड एट द सेम, फिर से वैसी की वैसी हो गई, क्योंकि
बारिश की बूंदें ज़मीन पर आई, और जब बारिश की बूंदें ज़मीन पर आई तो वो जो है पानी ज़मीन पर से बह करके नदियों की फॉर्म में कहाँ पहुँच गया, वही पानी फिर से समुद्र में पहुँच गया। इसीलिए कह रही यट दा सेम, यानी समुद्र से ही उठी और समुद्र में ही समा गई। ठीक है, आगे देखिए। आई डिसेंड टू लिव द ड्रॉट्स एटमीज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब। आई कौन है यहाँ पर? रेन है। ठीक है, डिसेंड का मतलब होता है कम डाउन। क्या मतलब है? कम डाउन, DESCEND, डिसेंड मीन्स कम डाउन, आप नोट कर लो। यानी अर्थ पर आती है। ठीक है, क्या करने के लिए? लेव करने के लिए। लेव क्या होती है? लेव का मतलब होता है वॉश। क्या मतलब है वॉश? किसको वॉश करती है ये? ड्रॉट्स को यानी ड्राई प्लेसेस को, एटमीज को यानी स्मॉल पार्टिकल्स को, डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब यानी ये ड्राई प्लेसेस को वॉश करती है, स्मॉल पार्टिकल्स को वॉश कर देती है, एंड डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब यानी जितनी भी यूनिवर्स की डस्टी लेयर्स हैं उन सब को साफ कर देती है। ठीक है, एंड ऑल दैट इन दाम विदाउट मी वर सीट्स ओनली लेटेंट एंड अनबोर्न। यानी सीधी सी बात है कि अगर आप किसी सूखे खेत में बीज डाल भी दोगे तो वो बीज तब तक प्लांट में कन्वर्ट नहीं होगा जब तक कि आपस में पानी नहीं डालना है। ठीक है, तो सेम बात रेन कह रही है कि एंड ऑल दैट इन दैम, यानी ये जो सारी चीज़ें बताई हैं ना ऊपर, इनमें रेन के बिना चीज़ें कैसी रह जाएंगी? सीड की सीड ही रह जाएंगी, मीन्स सीड्स कैन नॉट ग्रो इन टू प्लांट। ठीक है, सीड्स जो है प्लांट में कन्वर्ट नहीं हो सकते, ग्रो नहीं हो सकते। ठीक है, वो कैसे पड़ रहे हैं? लेटेंट पड़े रहेंगे। लेटेंट मीन्स लेटेंट, लेटेंट मीन्स होता है हिडन। क्या होता है? हिडन। HIDDE। एंड ठीक है, अनबोर्न आप समझते ही हैं। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, मीन्स साइकिल ऑफ रेन समझ लीजिए। फॉर एवर डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, अपनी ओरिजिन को लाइफ देती रहती है। ठीक है, किस तरीके से? वही एवेपोरेशन, ठीक है, कंडेंसेशन जिसके थ्रू क्या बन जाते हैं? क्लाउड्स बन जाते हैं, और फिर प्रिसिपिटेशन यानी बूंदाबांदी की फॉर्म में नीचे आ जाती है। ठीक है, इस तरीके से अपनी ओरिजिन को देती रहती है, लाइफ देती रहती है। ठीक है, एंड मेक प्योर वैन बॉडी ब्यूटीफाई इट, और हर चीज़ को क्या कर देती है? प्योर कर देती है एंड ब्यूटीफाई कर देती है। फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वंडरिंग वंडरिंग रैग्ड और अनरैग्ड ड्यूली विद लव रिटर्न्स। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि वाई द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम आर इन ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्यों है? ठीक है, तो दिस टू लाइन्स ऑफ द पोएम आर इन ब्रैकेट बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल दिस टू लाइन्स आर नॉट द पार्ट ऑफ कन्वर्सेशन। ठीक है, आपको पता है कि पूरी की पूरी पोएम जो है कन्वर्सेशन है, लेकिन ये दो लाइनें जो है कन्वर्सेशन का पार्ट नहीं है। ठीक है, सेकेंडली इन दिस टू लाइन्स द पोएट हैज कंपेयर्ड रेन विद सॉन्ग, म्यूजिक से कंपेयर किया है। वही वाली बात है कि जैसे कोई सॉन्ग अपने फर्स्ट नोट से शुरू होता है और उसी नोट पर एंड होता है, इन द सेम वे द रेन टेक्स इट्स ऑरिजिन फ्रॉम द बॉटमलेस सी एंड इट गेट्स एंडेड इन द बॉटमलेस सी ओनली। ठीक है, कहाँ पर अंत होता है? बॉटमलेस सी में ही होता है। रैग्ड और अनरैग्ड ड्यूली विद लव रिटर्न्स, गाना कोई गाने पर ध्यान दे, ठीक है, कोई केयर करे नहीं करे, ड्यूली विद लव रिटर्न्स वो अपने उसी नोट पर रिटर्न होकर आ जाता है। इन द सेम वे रेन अपनी प्रोसेस को जारी रखती है। ठीक है, एक बार फिर से लिटरेरी डिवाइस देख लेते हैं। आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, ये देखो ये क्या है? पर्सोनिफिकेशन है। लेकिन अगर ये ऐसे यूज हो जाए यहाँ से पोएम ऑफ द अर्थ, तो ये क्या हो जाएगा? मेटाफर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेटाफर हो जाएगा। लेकिन अगर आई से लेकर पूरा आए तो क्या होगा? पर्सोनिफिकेशन होगा। ऑलराइट, ठीक है, आगे चलते हैं। ऑल टुगेदर चेंज एंड यट द सेम, यानी चेंज भी कह रहा है और यट द सेम भी कह रहा है। ये वाली लाइन देखिए आप, चेंज एंड यट द सेम, यानी जब दो ऑपोजिट वर्ड्स यूज होते हैं किसी सेंटेंस में तो वहाँ क्या होता है? ऑक्सीमोरन होता है। क्या होता है? ऑक्सीमोरन। ये वाला देखिए, ओ एक्स वाई एम ओ आर ओ एन, ठीक है, ऑक्सीमोरन। तो ये ऑक्सीमोरन हो गया।
आई डिसेंड टू लेव द ट्रॉट्स, फिर से क्या है, पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि आई जहाँ आ गया, ठीक है। और देखते हैं, ऑक्सीमोरन का एक और आ गया आपका, एरा डे एंड नाइट, ठीक है। एक और था यहाँ पर लास्ट में, ये रैग्ड और अनरैग्ड, एक इसका है ऑक्सीमोरन का, क्योंकि दोनों अपोजिट वर्ड्स हैं, ठीक है। और तो शायद कोई नहीं है, ठीक है। और भी होंगी तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, लिख के बता दूंगा। ये वर्ड्स के मीनिंग देख लो, इम्पेलपेबल समथिंग दैट कैन नॉट बी टच्ड, एलिवी वॉस, ठीक है, एटम ही जाने, टाइनी पार्टिकल्स, लेटेंट यानी हिडन, ठीक है, वो मैंने बता ही दिए थे, फिर से देख लो। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।